सर सर कह रहा हूँ कि इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है, बिल्कुल जर्जर हालत हुई पड़ी है। अगर 2 मिनट के लिए भी बारिश हो जाती है तो खड्डे इतने भर जाते हैं लपालप पानी से, यही नहीं पता लगता है कि पानी जो है रास्ता किधर से निकलेगा, कितने नहीं ले सकता। और हम बाइक पे फील्ड का हमारा काम है रोज़मर्रा का, आते जाते रहते हैं तो बड़ी परेशानी होती पड़ती है। और मेंटेनेंस भी इतना आ जाता है कि बहुत ज़्यादा, अब तो बाइक पे तो क्या, अब तो जी पैदल भी निकलना भारी हो जाता है, यही नहीं पता लगता है कि खड्डे कहाँ कहाँ पर हुए पड़े हैं। बहुत बुरा हाल है जी, बल्लभगढ़ फरीदाबाद की सड़कों का बहुत बुरा हाल है जी, बिल्कुल सड़क है। कितनी परेशानी आती है? बहुत, जितना कमाने रहे पूरे पूरे दिन चक्कर जाम में फंस जाते हैं, 2 कमाते हैं 4 लगा देते हैं। तो मेंटेनेंस में आपकी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस में जेब पे खर्च पे सारे चीज़ असर पड़ रहा है सर। तो लेट भी हो जाते हैं? लेट बहुत बहुत बहुत, हर जगह जाम, कहीं निकलने का रास्ता नहीं है, ज़्यादा YMC पे और हर जगह यही परेशानी। सड़कों की हालत है ये बहुत ही दयनीय हालत है इस समय। और आप देख रहे हैं 2-3 दिन पहले जो बारिश हुई उसने पूरी सरकार की पोल खोल कर रख दी, ऊपर से मतलब कि उस पर वो कड़ा दिया जाता है और फिर बरसात के टाइम में सारे गड्ढे बाहर आ जाते हैं निकल करके। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। और सरकार का इतने लाखों करोड़ों रुपये खर्च होता है, मैं समझता हूँ हर साल रोड बनते हैं और रोडों की हालत सबसे फरीदाबाद के अंदर सबसे घटिया किस्म का माल लगाया जाता है जो ये पूरा एक साल भी नहीं चलता। और एक एक रोड को 2-2, 3-3 बार तोड़ करके क्या, वो अपने आप ही टूट जाती है और उसको दोबारा बना दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के पैसे को मतलब ये है कि ख़राब किया जा रहा है।